गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर सेकंड सेम। टुडे माय लेक्चर टॉपिक ऑन अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कैबेज। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कैबेज इन कैबेज क्रॉप्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस डिजीज इन कैबेज। दे आर कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया ब्रैसिकोला। Alternaria brassicola also appears subspecies Brassicae and Ruffinae. They are Brassicae and Ruffinae species of Alternaria. They are also caused in other crops like mustard, cauliflower, toria, rye, etc. Next, nature of disease. The alternaria leaf spot of cabbage is a seed borne or soil borne in nature. Next, economic importance means आर्थिक महत्व। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का लेक्चर टॉपिक लाइव क्लास ग्रुप में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के ऊपर आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज है कैबेज के केस में। इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, तुरिया, राई, रेडिस, ये अलग क्रॉप में भी अल्टरनेरिया डिजीज कॉमन रूप से काज किए जाते हैं। लेकिन अल्टरनेरिया की बात की जाए तो अल्टरनेरिया के कैरेक्टर के आधार पर अल्टरनेरिया को हम फील्ड फंगस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरे फील्ड में बहुत आसानी से बिखरे हुए पाए जाते हैं। और कॉमन रूप से वेजिटेबल एंड सोलनेशियस ग्रुप ऑफ क्रॉप के अंतर्गत डिजीज काज करते हैं। तो आते हैं लेक्चर टॉपिक अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कैबेज पे, जो कैबेज में बहुत इंपॉर्टेंट एंड सीरियस डिजीज है जिसका कारण ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया ब्रैसिकोला है। अल्टरनेरिया ब्रैसिकोला के साथ साथ इसमें और स्पीशीज काज करते हैं। ब्रैसिकोला के साथ ब्रैसिकी काज करता है, रफनाई काज करता है। तो ये ब्रैसिकोला, ब्रैसिकी, ये दो सामान्य रूप से मस्टर्ड क्रॉप में काज किए जाते हैं। इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर क्रॉप में भी काज किए जाते हैं। लेकिन रफनाई की बात किया जाए तो रफनाई जो स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया है, ये सामान्य रूप से रेडिश मूली में काज किया जाता है। इसके साथ साथ अल्टरनेरिया के और स्पीसीज हैं, जैसे अल्टरनेरिया पूरी। अल्टरनेरिया पूरी जो स्पीसीज है, ये ओनियन के केस में अल्टरनेरिया काज किया करता है। तो सेंस अगले नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ डिजीज। आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ डिजीज के रूप में सीड बॉन्ड सामान्य रूप से सीड बॉन्ड नेचर का होता है या सॉइल बॉन्ड नेचर का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मींस इस डिजीज का आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व की बात किया जाए तो इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये डिजीज सामान्य रूप से, जैसे मैं बताया कि कैबेज के साथ साथ कॉलीफ्लावर, रेडिस, तोरी, तुरिया, राई, तमाम और क्रॉप में भी काज किया जाता है। लेकिन कैबेज में ये डिजीज जो काज किया जाता है सामान्य रूप से देखा जाए तो ये दिसंबर मंथ में इनका इन्फेक्शन दिखाई देता है फील्ड केस में। लेकिन ये वर्मन स्टेज में या सभी इन्फेक्शन जो है जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा होता है, और ये जनवरी से लेकर के लास्ट फरवरी तक इनका इन्फेक्शन पूरे फील्ड में वर्मन स्टेज के रूप में देखने को मिलता है। इनका ये जो है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट ये भी आता है कि ये डिजीज सामान्य रूप से इंडिया के अंदर, इंडिया के जितने भी नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन की मीन्स बात करें
तो उत्तरी जो भाग है, उत्तरी भाग में जो प्लेनी रीजन्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेबल का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे ये डिजीज आसानी से देखने के मिलते हैं। इस डिजीज के आर्थिक एनुअली नुकसान की भी बात किया जाए, वार्षिक नुकसान की, तो ये डिजीज नियर अबाउट 15 से लेकर के 42% तक इसमें आर्थिक सामान्य एनुअली नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश मीन्स द अल्टरनेरिया लिप स्पॉट इज ए कॉमन डिजीज इन कैरेज क्रॉप्स, बट देयर आल्सो अपीयर्स ऑन मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, टर्निप, तोरिया, राई, ओनियन एटसेट्रा। इन इंडिया द डिजीज अकर्स यूजुअली इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम द एंड ऑफ जनवरी एंड द लास्ट मंथ ऑफ फरवरी, बट द डिजीज मोस्ट सेवरली प्रिवेलेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया एटसेट्रा। द लॉस ऑफ असेसमेंट अप टू रिकॉर्डेड फॉर्म नियर अबाउट 50 to 42% एनुअली इन कैरेज क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स लक्षण। लक्षण की बात किया जाए तो लक्षण को हिंदी में समझा देते हैं। यहाँ पे मैंने कैबेज क्रॉप का ये फ्लावर्स बनाया है। इस फ्लावर सबसे पहला यहाँ मैंने लिखा है कि कॉन्सेंट्रिक ग्रीन स्पॉट अपीयर्स ऑन यंग प्लांट। सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रिक रिंग ग्रुप में जिसको टारगेट बोर्ड सिम्टम के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार का सिम्टम सबसे पहले यंग प्लांट पे आता है। मींस जो नए पौधे होते हैं उन पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक रिंग या टारगेट बोर्ड सिम्टम अपीयरेंस के रूप में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ स्पॉट शो ब्राउन टू ब्लैक एंड कॉन्सेंट्रिक अपीयर्स ऑन द लीफ। बाद में जो इन्फेक्शियस कॉन्सेंट्रिक स्पॉट होता है जिसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल के नाम से भी जानते हैं, ये ब्राउन कलर का सिम्टम शो करता है जो वर्मिंग के स्टेज पे जाकर के ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर एट सेडिंग स्टेज एंड डैंगलिंग ऑफ अपीयरेंस शो, मींस सबसे पहले इनका इन्फेक्शन सेडलिंग स्टेज में होता है। वंस मींस सेडलिंग जैसे आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट सीडलिंग स्टेज, इस स्टेज में जब ये होता है इन्फेक्शन तो डैम्पिंग ऑफ अपीयरेंस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्टेड प्लांट बिकम स्टंटेड। जब प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट में बौनापन सिम्टम अपीयरेंस होता है जिसको स्टंटेड के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉमन कॉमन इसका सिम्टम्स है मैंने बता दिया हिंदी में, लेकिन आई विल प्रेजेंट ए सिम्टम्स इन इंग्लिश। द फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर्स ऑन यंग प्लांट इन सीडलिंग स्टेज एंड इन्फेक्टेड प्लांट बिकम स्टंटेड एंड डैम्पिंग ऑफ मे अकर्स द डार्क ब्राउन टू ब्लैक लीफ स्पॉट अगर ऑन टिश्यूज ऑफ एनी एज, मींस किसी एज में इस तरीके का अपीयरेंस या इन्फेक्शन रूप में काज किया जा सकता है। एंड द सिम्टम्स आर वेरी इन साइज। जो सिम्टम्स लीजन के रूप में बनता है ये अलग अलग शेप साइज के होते हैं। वेरी इन साइज फ्रॉम 2 इंच इन डायमीटर, लगभग 2 इंच डायमीटर के होते हैं। द लीफ स्पॉट इन लार्ज इन कॉन्सेंट्रिक रिंग आर ओ आर सर्कल्स एंड मैच्योर लीजन है प्रोड्यूस। बाद में कॉन्सेंट्रिक रिंग सर्कल के रूप में एक मैच्योर लीजन बनाता है। नेक्स्ट है
जो ये सर्कल्स बनता है लीजेंड के रूप में, ये वायल साइज होता है 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, लेकिन इसको देखने में बुल बुल आई लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। जो बुल्स होते हैं बुल के आई आई के लाइक का ये सिम्टम लीजेंड के रूप में दिखाई देता है, ये इसका मेजर सिम्टम्स है। नेक्स्ट पॉइंट है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स हेतु की। द अल्टरनेरिया स्पॉट ऑफ कैबेज इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड सेप्टेड माइसिलियम। द माइसिलियम इज प्रोड्यूस एंड डज जर्मिनेट इनसाइड द होस्ट सेल through inter or intracellularly. After some time, they are produced corneophore. The corneophore are tubular and erect. And the cornea germinate at the tip of corneophore in alternate manner. The arrangement of cornea in alternate manner, this character also known as alternaria. After some time, the mature alternaria break individually on the apex of corneophore and they have muriform appearance, means have transverse septa. The transverse septate cornea also called muriform cornea, means this is most important question. Muriform. When the transverse or longitudinal septa present inside the cornea, this type of cornea also called muriform cornea. The mature cornea are beaked, means pointed apex are narrow. This type of cornea are beaked cornea. So etiology is complete. हिंदी में मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं। एटियोलॉजी मींस हेतु की। अल्टरनेरिया लिपिस स्पॉट ऑफ कैबेज जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला के कारण पाए जाते हैं। अब इसकी बात किया जाए तो इसमें जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। यहां पर मैंने सेप्टेट माइसीलियम बनाया, सेप्टेट होता है। और यह माइसीलियम जिनके होस्ट होता है होस्ट के अंदर इंट्रासेलुलरली ग्रो करता है। इंट्रासेलुलरली मींस होता है इनसाइड द होस्ट सेल, इंटर भी होता है बिटवीन द होस्ट सेल, तो मींस इंटर टू इंट्रासेलुलरली ग्रो करता है इनसाइड द होस्ट सेल। देन इस माइसीलियम के ऊपर रिसेप्टिव हाइफा बनता है जिसको हम कोर्डियोफोर कहते हैं। कोर्डियोफोर इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ट्यूबुलर होता है और उसके ऊपर अल्टरनेटर कोर्निया अरेंजमेंट होता है। ये अल्टरनेट कोर्निया अरेंजमेंट के आधार पर इसको अल्टरनेरिया कहते हैं। और ये अल्टरनेरिया फिर बाद में आपस में टूट जाते हैं, मैच्योर अल्टरनेरिया बनाते हैं। ये मैच्योर अल्टरनेरिया के अंदर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा प्रेजेंट हो, इस कोर्निया को हम म्यूरीफॉर्म कोर्निया कहते हैं। अब कोर्निया के एक्चुअली शेप की बात की जाए तो ऊपर बीच से होता है, मींस ऊपर ये नैरो होते हैं, नुकीला होता है। तो इस प्रकार के जो नीचे वाइडली हो और ऊपर नैरो हो, इस प्रकार के कोर्निया को बीच कोर्निया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये कोर्निया ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, जिसके अपीयरेंस के आधार पर इसमें लीजन ब्राउन ब्लैक कलर का सिम्टम ग्रुप में दिखाई देता है। ये इसका एटियोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल की बात करें तो प्राइमरी सर्वाइवल इनोकुलम के रूप में कोर्निया काम करता है। जो कोर्निया सीड या फाइल के अंदर सर्वाइव होता है एज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम के रूप में। अब दूसरी बात सेकेंडरी सर्वाइवल इनोकुलम के रूप में बात किया जाए तो कोर्निया डिसिमिनेट टू विंड और वाटर।
जो कोरिया होता है विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा हेल्थी क्रॉप में पहुंचता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है। तो ये बीजी साइकिल का फर्स्ट फेज है मींस पैसिव फेज एंड कोरिया एंड एक्टिव फेज कोरिया थ्रू विंड और वाटर। बिजी साइकिल में कई लेक्चर में आप लोगों के बीच प्रेजेंट किया, फिर भी और भी मैं समझा देता हूँ कि द कोरिया सर्वाइव ऑन सी और वो आर इनसाइड द सोयल एज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। नेक्स्ट पॉइंट, इन फेवरेबल कंडीशन द कोरिया बिकम एक्टिव, नेक्स्ट कोरिया जर्मिनेट, नेक्स्ट कोरिया आफ्टर जर्मिनेशन देयर प्रोड्यूस जर्मेट्यूब, नेक्स्ट देयर इन्फेक्शन इन होस्ट, आफ्टर इन्फेक्शन द होस्ट प्रोड्यूस मैनिफेस्ट सिम्टम्स, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर प्रोड्यूस माइसीलियम, माइसीलियम नेक्स्ट प्रोड्यूस गोनेडियोफोर, गोनेडियोफोर के ऊपर नेक्स्ट कोनिडिया, द मैच्योर कोनिडिया डिसिमिनेट थ्रू विंड और वाटर एंड गेट ऑन हेल्दी फिश होस्ट, देयर जर्मिनेट देन जर्मेट्यूब देन कॉज इन्फेक्शन। द सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। First time survival conidia, first time cause infection inside the host, they are called primary infection. Then secondly conidia to disseminate wind or water, they are germinated and after germination they are produced germ tube, they caused secondary infection. The secondary infection continue operate inside the field, whereas till host available inside the host. After harvesting stage of host, the mature conidia survive on the surface of seeds and inside the soil as a source of primary conidia. So, यहाँ पे सारा disease cycle मैंने आपके बीच present किया। I think आप सभी लोगों के disease cycle समझ में आ गया होगा। जिसको कोई doubt है तो एक बार फिर बुक को खोल करके आप डेली साइकिल समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले कंट्रोल मीडियस के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट, कल्चरल कंट्रोल मीडियस मींस कर्षण क्रिया के द्वारा सुइंग के पहले हम कैसे हटा सकते हैं या फिर उनको। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, फील्ड सैनिटेशन एंड क्रॉप रोटेशन शुड बी अप्लाइड इनसाइड द मेन फील्ड, फील्ड की साफ सफाई, क्रॉप रोटेशन विद नॉन क्रूसिफेरियस मीन नॉन पॉलीफ्लोरस क्रॉप के अंतर्गत अपनाना चाहिए मेन फील्ड में जहाँ पे इसका कल्टिवेशन होगा। सेकेंड पॉइंट, अल्टरनेट एंड अवॉइड होस्ट शुड बी रिमूव अराउंड मेन फील्ड, उस मेन फील्ड के अगल बगल जो अल्टरनेट या अवॉइड होस्ट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मई और जून महीने में डीप प्लाविंग शुड बी अप्लाई इन द मंथ ऑफ मई टू जून, गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट देना चाहिए मई और जून के महीने में ताकि सॉइल के अंदर उपस्थित अल्टरनेरिया सनलाइट के कंटेंट में आने के बाद किल कर जाए। इस तरीके से इसका ये कल्चरल कंट्रोल मीजर है। सेकेंड है केमिकल कंट्रोल मीजर्स। केमिकल कंट्रोल मीजर्स पॉइंट नंबर फर्स्ट यूज ऑफ सी ट्रीटमेंट विथ थीरम एट द रेट ऑफ 3 ग्राम प्रति 1 kg ऑफ सीड्स। पॉइंट नंबर सेकेंड, यूज ऑफ फोलियर स्प्रे विथ मैंगो जेल एट द रेट ऑफ 0.2% और क्लोरोथैलोनील एट द रेट ऑफ 0.2%। दे आर गुड इफेक्टिव कंट्रोल मीजर्स फॉर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कैबेज। सो आल लेक्चर पॉइंट इज कंप्लीट। In case of Alternaria leaf spot of cabbage, so all students understand
tomorrow means Monday. So all student like BSc Agriculture watch live video class on the topic of alternative leaf spot of cabbage. Write down on notebook to the final examination preparation. So thank you. That's all.